गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सेहतमंद होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। हम सब भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मिस्सी रोटी की रेसिपी शेयर करूँगी, तो चलिए जान लेते हैं हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए। गेहूँ का आटा लिया है, इसमें मैं एक कप बेसन ऐड करूँगी। आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें हल्दी, टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे, सॉल्ट, नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च, ये कश्मीरी रेड चिली है, इससे कलर और फ्लेवर ऐड होता है, ये तीखा नहीं होता है, ये कलौंजी, अजवाइन, थोड़ा सा चाट मसाला। इन सारी चीजों को पहले मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, ग्रीन चिली जितना तीखा आप खाना पसंद करते हो और ढेर सारा धनिया पत्ता, कोरिएंडर लीव्स। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। इसके बाद हम मीडियम सॉफ्ट डो प्रिपेयर करेंगे। थोड़ा सा मैं भुना जीरा पाउडर ये भी ऐड कर रही हूँ और इसके बाद हल्का हल्का पानी डालते हुए हमें डो प्रिपेयर करना है। मीडियम सॉफ्ट हमें डो लगाना है, बहुत हार्ड नहीं और बहुत सॉफ्ट नहीं। देखिए डो हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसे कवर करके 40 से 45 मिनट छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे अपना मिस्सी रोटी तैयार करेंगे। मेडिकल शॉप पे आई हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे काम है, पहले ये काम फिनिश कर लेते हैं फिर आगे। मैं पनीर और कर्ड लेती हूँ, फिर उसके बाद सब्जी। मैं सब्जी लेती हूँ इस टाइम, शाम के टाइम में कितना रश है। चलिए फटाफट शॉपिंग कर लेते हैं। इतना फ्रेश है, शाम के टाइम ये लोग गांव से लेकर के आते हैं, ये कितना फ्रेश है। करेला लूंगी और आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी, पैक कराऊंगी। गिफ्ट पैक्स भी रखते हैं ये लोग, गोलगप्पे वाले भैया से गोलगप्पा भी खा लेते हैं। चलिए भैया कैसे पानी पूरी प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे मेला लगा हुआ है, क्विक चेक कर लेते हैं क्या है। चीनी मिट्टी का सामान है काफी, देख लेती हूँ। पराठा बनाना शुरू करते हैं, एक बार इसको फिर से मसल लेते हैं। और इधर मैंने पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। रोटी से थोड़ा बड़े साइज का पेड़ा कट कर लेते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको हम प्लेटफॉर्म पे रोल करेंगे। हमारा पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, डाल
एक तरफ जब अच्छे से सिख जाएगा तब हम उसे पलट देंगे दूसरे साइड। दूसरे साइड भी अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसमें बटर लगाएंगे। मिस्सी रोटी जनरली बटर में ही बनता है। अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हो और तेल भी बना सकते हैं। और अच्छा कलर आने तक दोनों तरफ हम अच्छे से सिकेंगे। तरफ अच्छे से सिक चुका है। अब इसमें हम तंदूर का इफेक्ट लाने के लिए इसको हम थोड़ा गैस के फ्लेम पे से दोनों साइड से सेक देंगे। इसी तरीके से हम अपनी सारी रोटियों को तैयार कर लेंगे। मिस्सी रोटी हमारा रेडी हो गया और आज हम लोग इसे आलू गोभी की सब्जी और दही के साथ एंजॉय करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये रेसिपी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत जल्द आप सभी से मिलूंगी फिर किसी नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सेफ रहें। सो सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।